नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और आपके सामने बहुत सारे कोर्सेज लाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स को वन टू वन बेसिस, यानी एक स्टूडेंट एक टीचर, एक बार में एक ही टीचर जो है एक ही स्टूडेंट को गाइड करेगा और उसको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करेगा। तो एक्सपर्टाइज नॉलेज को गेन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी नए वीडियोस अपलोड हो या नए कोर्सेज अवेलेबल हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो बिना समय गवाए हुए आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्या कवर करेंगे, चलिए देखते हैं। इनकम टैक्स के टॉपिक को हम इनकम टैक्स में आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे इनकम टैक्स में रिबेट अंडर सेक्शन 87 सब क्लॉज ए, अंडर सेक्शन ए। ठीक है, एसएससी कौन होगा? एसएससी एक इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है, एक इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडिविजुअल टैक्स पेयर होना चाहिए। ठीक है, जिसकी टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड नहीं होनी चाहिए, यानी इक्वल टू और लेस देन हो सकती है कितनी, 5 लाख रुपए। ठीक है, हम प्रोविजन्स आपको अंडरस्टैंड कराएंगे, स्टूडेंट के लिए प्रोविजन को समझना और प्रोविजन्स के वर्ड को मेमोराइज रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि केवल समझने से आप एग्ज़ाम हॉल में अच्छे मार्क्स नहीं फेच कर पाओगे। आपने मानिए अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ठीक है, लेकिन आपने लीगल टर्म्स नहीं यूज़ किए, बिल्कुल ले लैंग्वेज यूज़ कर ली, ले वर्ड्स यूज़ कर ली, तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको समझना है और साथ ही साथ लीगल टर्म्स को भी मेमोराइज रखना है। तो हम जब एक्सप्लेन करने के बाद हम उसके लीगल टर्म्स को भी रीड करेंगे ताकि आप उसको मेमोराइज कर सकें, ठीक है, और एग्ज़ाम में ये लीगल टर्म्स का यूज़ कर सकें ताकि आपको एक अच्छे मार्क्स गेन हो सके। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ने बोला था कि मैम आप या तो केवल टर्म ही रीड की जा करिए, ऐसे हिंदी में एक्सप्लेन नहीं कीजिए। तो दोनों चीज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट है, समझना भी इम्पॉर्टेंट है और लीगल टर्म भी, तो इसीलिए मैं दोनों को कैरी फॉरवर्ड करूँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिबेट अंडर सेक्शन 87A किसके ऊपर एप्लीकेबल है? एसएससी, जो कि इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल टैक्स पेयर है, जिसकी टोटल इनकम जो है वो 5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी इक्वल टू या लेस देन 5 लाख होनी चाहिए। लीगल टर्म रीड करूँगी, एसएससी हु इज अ इंडिविजुअल टैक्स पेयर हु आर इन द 5% टैक्स स्लैब रेट इन इंडिया एंड हुज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड ₹5 लाख। तो उस एसएससी को क्या मिल जाएगा? उस टैक्सेबल पर्सन को रिबेट मिलेगा। रिबेट किस चीज़ का मिलेगा? जो इनकम टैक्स उसका पेबल हो रहा है या ले लैंग्वेज में जो उसका इनकम टैक्स ड्यू हो रहा है या जो आय पे टैक्स बन रहा है उसका, ठीक है, कर बन रहा है उसका वो, या टोटल अमाउंट ऑफ 12,500 इसमें से जो भी लोअर हुआ। डोंट वरी, एग्जांपल मैं आपको अभी शेयर करूँगी। ठीक है, यानी क्या है कि जो हमारा रिबेट है अंडर 87A वो हमारे इनकम टैक्स से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता, या तो इनकम टैक्स या 12,500 जो भी लोअर होगा उसका रिबेट मिल जाएगा। ठीक है, और ये जो रिबेट कैलकुलेट करेंगे वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो अंडर सेक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A में है, इसको इस पे रिबेट नहीं मिलता है। ठीक है, रिबेट अंडर 87A इज नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल एट द रेट ऑफ 10% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। ये क्या है, परेशान नहीं हुई है, आगे फ्यूचर वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है रिबेट अंडर 87A में, कि एक एसएससी है इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम 5 लाख से कम होनी चाहिए या 5 लाख तक होनी चाहिए, इक्वल टू और लेस, एक्सीड नहीं होनी चाहिए, उसको क्या मिल जाएगा? रिबेट मिल जाएगा। कितना मिलेगा? जो इनकम टैक्स पेबल है, यानी जो कर उसका पेबल है, जो ड्यू है वो, या 12,500 जो भी लोअर हुआ। ठीक है, इसका मतलब रिबेट कभी भी हमारा जो टैक्स पेबल है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनकम टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज़ लोअर। एक चीज़ ध्यान देंगे, ये जो वैल्यू है ये
कई बार फाइनेंस एक्ट के थ्रू हमारे बजट में चेंज होती रहती है, तो आप जिस ईयर में एग्जाम में बैठ रहे होंगे तो प्लीज़ इस वैल्यू को एक बार चेक कर लेंगे, और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कॉमर्स अचीवर के प्लेटफॉर्म पे आके अपडेट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम के लिए क्या एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आएंगे, होप आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, कोई भी डाउट है आपके कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग में और लीगल टर्म में, दोनों देखिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन पे हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूमेरिकल को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो कोई भी डाउट है आप, प्रोविजन क्लियर होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछें। और प्लीज़ इस वीडियो को पसंद आया है तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो अपने आइडियाज़ दें, अपने सजेशंस दें कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसको एनालिसिस करके फ्यूचर वीडियोज़ में कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको प्लीज़ मैक्सिमम लोगों को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि क्लासेस तो हमारी ऑलरेडी 1-to-1 चल ही रही हैं, और ये वीडियोस हम उन मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक अप्रोच करने हैं जो कि कोर्सेज नहीं ले सक रहे हैं। ठीक है, तो कोर्सेज भी अवेलेबल है, अगर आपको कम टाइम में अचीव करना है, 1-to-1 गाइडेंस चाहिए तो आप हम पे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और मैक्सिमम लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।